क्या कहते हैं, इस पिछले पिछले आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें आप लोगों ने बहुत बड़े काम किए, 370 अभी CAA की हम लोग बात कर रहे थे, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हुई है और इसको आपने जो है उत्तराखंड के गवर्नमेंट के उसके माध्यम से शुरुआत भी की है, तो क्या अगले 5 साल में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? आपके मैनिफेस्टो आपने कहा कि अभी आप नहीं बता सकते, मगर आप राहुल जी UCC लोकभोग्य भाषा में कॉमन सिविल कोड, ये आज से हमारा मुद्दा नहीं है जी, 1950 से हमारा मुद्दा है। इसके लिए मेरी पार्टी ने आंदोलन किया है, जनसंघ था तब से करा है और हम इससे हट नहीं सकते हैं। हम मानते हैं कि पंथ निरपेक्ष देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, इसमें किसी से कोई मत नहीं, और हम इस बात को जनता के सामने मुखरता के साथ रखेंगे। उत्तराखंड सरकार UCC लेकर आई है और इस UCC पर इसकी अब सोशल, लीगल, जुडिशियल सभी प्रकार की स्क्रूटिनी होगी और उसके बाद में कोई एक कॉमन मत भी बनेगा देश का। परंतु UCC भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता को वादा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, ये सभी ने एक कानून से जीना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता में कोई दखल नहीं करनी चाहिए, लग्न की पद्धति क्या हो अपने अपने धर्म के हिसाब से हो, परंतु कानून एक होना चाहिए, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने तय की हुई बात है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। हमने UCC को हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स में एक्सेप्ट किया था, जिसको अंबेडकर जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल जी, राजेंद्र बाबू सब ने स्वीकारा था, ये सारे कांग्रेस के नेता थे जी, और सब ने स्वीकारा था कि उचित समय पर देश के विधानमंडल और देश की संसद इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। एक आदर्श हमारे सामने रखा था जो पूरी करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने इसको आगे बढ़ाया। DMK ने आज जो है अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर वो सरकार, उनकी सरकार आती है इंडिया अलायंस की, तो इन सबको रिपील करेगी, CAA को रिपील करेगी। किसने कहा है? DMK। DMK कहाँ पावर में आनी है जी, DMK का सवाल ही नहीं है, वो तो इसीलिए ऐसा। ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि क्या मुसलमानों को शरिया और हदीस के हिसाब से रहने का हक नहीं है? देखिए, ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। शरिया और हदीस के हिसाब से 1937 से नहीं रह रहा है देश का मुसलमान। 1937 अंग्रेजों ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट क्यों निकाल दिया भाई? फिर तो चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को रोड पर पत्थर मारकर मार दो, कोई मुसलमान सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता, सूद नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता। शरिया और हदीस से अगर जीना है तो पूरा जीना चाहिए, सिर्फ 4 शादी करने के लिए शरिया और हदीस क्यों आता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस देश का मुसलमान शरिया और हदीस की सारी चीजों से अंग्रेजों के समय से कटा हुआ है जी। और देश ढेर सारे इस्लामिक कंट्रीज भी ये छोड़ चुके हैं। ये कांग्रेस की एपीसमेंट की पॉलिसी है, वोट बैंक की पॉलिसी है, इस देश के माइनॉरिटी से बाहर आए, और ये सालों से नहीं है, आज से नहीं है, ऐसा नहीं है, सालों से नहीं है। आज भी सिविल सूट होता है तो देश के संविधान के हिसाब से मुस्लिम भाइयों का सिविल सूट होता है जी। शरिया और हदीस के हिसाब से नहीं होता, काजी के पास कोई नहीं जाता है। तो क्या वो सब राहुल जी लागू करना चाहते हैं? चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को पत्थर मारकर मार दो, देश का जो द्रोह करेगा उसको फांसी पर, चौराहे पर लटकाओ, ये सारा लाना है क्या?